जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। दो दिन पूछा था, बताए थे आप लोगों को, मैसेज भी कर दिए थे, इसलिए दो दिन लाइव नहीं आए थे। आज भी लाइव नहीं है क्योंकि अपलोड है। और तरसों मैंने बताया था द आर्टिस्ट के बारे में बताया था, और बच्चे उसका ऑब्जेक्टिव और सॉफ्ट ऑब्जेक्टिव मैंने पहले बता दिया, एक बार और बता रहे हैं। प्लीज ऑब्जेक्टिव को एक बार पकड़ेंगे और देखेंगे बच्चे। ऑब्जेक्टिव द आर्टिस्ट इज ए, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया था, आप लोग इसको जरूर देखें। द आर्टिस्ट इज ए डैश स्टोरी, आर्टिस्ट कैसा स्टोरी है, लॉन्ग, ब्रीफ, शॉर्ट, नन। तो मैंने बताया था आर्टिस्ट कैसा है, तो शॉर्ट था। बच्चे गौर करो, एक बार सुनने से भी याद होता है, सुनने से भी याद होता है बच्चे। द आर्टिस्ट राइटर, आर्टिस्ट के राइटर कौन थे, एम के गांधी, जे एन नेहरू, सीगा नोया। तो सीगा नोया थे आर्टिस्ट के राइटर। ही बिलोंग्स टू, कहां के थे, इंडिया के, जापान के, रसिया के। तो कहां के थे, वह जापान के थे। कहां के थे सीगा नोया, कहां के थे, जापान के थे। बच्चे गौर करना, सेवी वाज जापानीज बॉय, कितना साल का बच्चा था वह, जापान का रहने वाला, 12 साल का बच्चा था सेवी, 12 साल का बच्चा था सेवी। बच्चे गौर करना, सेवी वाज 12 इयर्स डैश बॉय, कहां का बच्चा, इंडियन, कोरियन, जापानी, तो जापानी था, डी नंबर, 5 का डी नंबर होगा। एकदम गौर के पूरा। द हॉबी ऑफ सेवी वाज कलेक्टिंग द कौन चीज, गॉड्स, कद्दू या उसको आप कोहड़ा बोल सकते हैं, यही था डी नंबर। सेवी बॉट ए इंच गोल्ड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी, कितना इंच का लेडी से वो कद्दू लिया था, 5 इंच का लिया था, 5 इंच का लिया था। इसका आंसर हो गया 5, इसका आंसर हो गया 5, मतलब ए नंबर। सेवी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज, सेवी को पकड़ा गया रेड हैंडेड, रंगे हाथ, किसके द्वारा, जब वो स्कूल में पढ़ाई के अलावा वह पेंटिंग कर रहा था पढ़ाई के, और उस समय टीचर ने उसको रंगे हाथ पकड़ा था, तो इसका हो गया बच्चे टीचर, डी नंबर। हु शाउटेड एंड ट्राइड टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, किसने चिल्लाया और कचूबर निकालने का प्रयास किया, फादर ने, फादर ने, जब उसको मालूम चल गया कि यह पढ़ता नहीं है, घूमता है, केवल पेंटिंग करता है, उस समय वह उसको मारने का प्रयास किए, मतलब उसको पीटने का प्रयास किए थे, चिल्लाने का, फादर। सेवी रीड्स एट स्कूल, सेवी कौन स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। हिज फादर वाज, उसके पिता क्या थे, और कारपेंटर थे, कारपेंटर थे बच्चे, कारपेंटर थे। द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेवी फॉर 10 एन, कितना एन में पोर्टर ने खरीदा था बच्चे। तो मैंने बताया था आप लोगों को इसका आंसर, इसका सही पूछोगे तो 40 एन होगा, चलो 50 तो होना चाहिए, 40 है। सेवी परचेज ए स्मॉल गोल्ड फ्रॉम, सेवी ने परचेज किया ए स्मॉल गोल्ड फ्रॉम, किससे वो परचेज किया था, ओल्ड लेडी से, ओल्ड लेडी से परचेज किया था। द टीचर गेव द सेवी गोल्ड टू वर्कर, टीचर ने उस किसको दिया था, वर्कर गोल्ड, गोल्ड को, तो वर्कर को दिया था, मैंने बताया था, उसे छीनकर, सेवी से छीनकर एक काम करने वाले मजदूर को दिया था, वर्कर होगा इसके आंसर। अब शॉर्ट है इसका, देखिए, हु वाज सेवी एंड वेयर डिड सेवी लिव, सेवी वाज 12 इयर्स जापानीज बॉय, 12 साल का जापान का रहने वाला बच्चा था, एंड ही लिव्ड इन हार्बर टाउन, एक बंदरगाह में रहता था, एक बंदरगाह वाले शहर में रहता था। विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेवी लाइक, किस प्रकार का गॉड को पसंद करता था सेवी, सेवी लाइक राउंड एंड सॉफ्ट गॉड, गोला और सॉफ्ट मुलायम गॉड को पसंद करता था। व्हाई डिड सेवी वांडर अबाउट द टाउन, क्यों भटकता था इधर उधर, सेवी वांडर अबाउट द टाउन बिकॉज हिज हॉबी वाज टू लुक एंड कलेक्ट गॉड, उसका शौक था देखने का और कलेक्ट करने का, संग्रह करने का गॉड्स को, इसीलिए शहर में इधर उधर भटकता था वो। How did Sevi's father react to teacher's complaint? Sevi's के फादर ने क्या रिएक्ट किया, जब टीचर ने कंप्लेन किया तो क्या बोले, यही बोले कि बेटा आ जाओ,
और तुमको क्या बोलते हैं उसको, कछुआ निकालने का प्रयास करेंगे। सेविज फादर बिकेम एंग्री, नाराज हो गए एंड साउथ चिल्लाया हिज सन अपने बेटे पर। ही ट्राइड टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, प्रयास किए उसको कछुआ निकालने का, बीट ब्लैक एंड ब्लू कछुआ निकालने का। हिज सन व्हेन सेविज टीचर्स कंप्लेन, अपने बेटे को कछुआ निकालने का प्रयास की जब उसके टीचर ने उसको कंप्लेन किया था, उसके पिताजी को कंप्लेन किया था उस समय। व्हाट मेड सेविज हार्ट बीट फास्टर, क्या चीज उसके दिल को तेज बना दी, धड़कन को तेज बना दी। व्हेन सेवी वाज सर्चिंग द गॉड सडनली, जब वो तलाश कर रहा था गॉड्स को, कुहरा को, कद्दू को जो कहिए, सडनली ही सॉ अबाउट 5 inch लॉन्ग गॉड, उसने 5 inch के लंबा कद्दू को देखा था, कुहरा को देखा था। इट वाज एट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, यह आकर्षक और सुंदर था। सो इट मेड सेवीज हार्ट बीट फास्टर, यही उसके दिल के धड़कन को तेज बना दिया। व्हाई व्हाट डिड सेवी डू आफ्टर व्हेन ही फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स, सेवी एंगेज्ड इन हिज पिक्चर्स आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स। गिव अप मतलब छोड़ना होता है, जब कलेक्टिंग गॉड्स को उसने छोड़ दिया तो उसने एंगेज्ड, वो व्यस्त हो गया कुछ नहीं, इन हिज पिक्चर्स, अपनी पिक्चर में वो व्यस्त हो गया। Why did the teacher shout at Sebi? टीचर ने क्यों चिल्लाया Sebi पर? Sebi was not reading perfectly. वो पूर्ण रूप से पढ़ाई नहीं कर रहा था। He was trying to paint the gods. उसने कद्दू को वो पेंट कर रहा था। In the time of study, पढ़ाई के समय, so the teacher shouted at Sebi. Sebi पर चिल्लाया। यही छोटा था, यही है, और इसको आप लोग देखेंगे, इसीलिए हमने इसको आज अपलोड किया है कि मान लीजिए बच्चे लाइव आएंगे उतना समय रहेगा, तो बच्चे लाइव हम 12 बजे इसको अपलोड कर देंगे और बच्चे इसको देखेंगे। और एक ही बच के आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड उसको नहीं पढ़ाना है, क्योंकि 10 बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा 10 हो गया। चलो अब इसके बाद क्या करना है नहीं करना है मैं कल से बताऊँगा, और अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया बैच खोलने के लिए। हम लोग ने 1 तारीख को बोला था, लेकिन सरकार का 6 तारीख तक तो बोल ही रहा है, 6 तारीख तक कुछ खुलना नहीं है, हम मजबूरी है, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। और 28-29 तक आपको मालूम चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो क्या होता है नहीं होता है देखो, सब बाजार खुलने के लिए है, मार्केट हर चीज़ खुलने के लिए है, कोचिंग स्कूल खुलने के लिए नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। जय बिहार, जय स्टूडेंट्स।